अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब दोस्त ठीक ठाक हैं? मैं भोजी शाहपुर कांजरा मंडी और अंदर वाली साइड पे आया हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये सारा भाई काटू माल है। ये चेक करें, ये टापर है तो ये अबला कलर में और सिंधी देसी क्रास में बकरा है। ये राजनपुरी है, ये सारे देसी बकरे हैं, खसी बकरे हैं हमारे सारे। ये चेक करें, ये चेक करें, ये सारे खसी बकरे हैं। अभी इनके पैसे पूछ के आपको बताता हूँ मैं। टोटल बकरे खसी दो दान चार दान में फिर भाई की रेट है ना बकरे ना। भाई जान बहुत रेट है, सारे खसी ने भाई है बकरे। हाँ जी, खसी भी, अंडर भी। डब्बा कितने का ब्राउन? हाँ जी, वो की दोंदा चौका दो दांत है जी। कितने पैसे हैं भाई इसके? ये डिमांड भाई है ना इसकी 80,000 है, देसी बकरा ये। ये बच्चा कितने का है? ये बच्चा अच्छा है अगर दोंदा ना हुआ तो। फिर भाई ये भी दोंदा है? सारा माल भाई दो दांत में है, दो दांत 50,000, चार दांत हो रहा है ये। ये भी देसी बकरे हैं सारे, ये चेक करें, दो दान चार दान बकरे हैं, 50-45 इस तरह रेट है मुख्तलिफ। ये राजनपुरी बकरा है, खसी है बकरा, ये भी चार दांत में है। ये चीना, ये चेक करो भाई, ये भी देसी बकरा है, खसी है दो दांत। डिमांड इतनी कर रहे हैं, बाकी रेट आपने खुद करना है आगे। टोटल बकरे सारे खसी हुई है। वो जो बकरे मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, वो ईद के रुके हुए बकरे हैं, यानी कि जो अभी ईद गुजरी है ना उसी ईद के रुके हुए बकरे हैं। तो वो वाला माल आपने अगर तो हकीकी के लिए लेने हैं, सदके के लिए लेने हैं तो फिर लो, गोश्त के लिए लेने हैं तो लो, लेकिन वो जो माल है ना उसको आप बकरा ईद तक रोक नहीं सकते। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, उनको ना नुस्खे बहुत लगे होते हैं, यानी कि हर बंदे ने उसको अपना अपना, यानी कि इंजेक्शन भी इसको उनको लगे होते हैं। बेचने के लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं, अगर वो अल्लाह ना करे आपके पास आके बीमार होते हैं ना, फिर आप उसको इंजेक्शन लगाते हो, सारा कुछ लगाते हो, उसका उसको असर नहीं होता, क्योंकि उसको चाहिए होता है स्टीराइड। वो जब तक लगना नहीं है तो उसने सेट नहीं होना, आपको इस चीज़ का पता नहीं होता। ये चेक करो जी, ये चाचे का माल है, इसमें मादियाँ भी हैं, इसमें नर भी हैं। ये आप देखें, ये देसी जानवर है सारे, चौक आजम के छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। ये चेक करो, गंदे मंदा ले ला लो, उसको ना लाओ तो लाओ, अगर आपने आगे बेचा तो वो पैसे बच जाते हैं। ये चाचे के पास जानवर हैं, ये सारे इनके हैं, तकरीबन कोई 50-60 के करीब ये जानवर हैं। हर एक मुख्तलिफ रेट है छोटे बड़े का, कुछ के पैसे आपको बताता हूँ। क्या हाल है, कैसी तबीयत, ठीक हो? इसमें इनके पास सिंधी भी हैं, लोई भी हैं, जैकवाबादी भी हैं, हर नस्ल का लेला इधर आपको मिल जाएगा। ये चेक करो, छोटा बड़ा सारा मिक्स माल है। एलेला कितने का एला? एला 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 वो 45 है, 45,000। ये लेला 45,000 रुपये का, और ये थर का माल बीच में मिक्स है, इसमें एक सलोची है, ये बोता है। ए बच्चा कितने का? ए बच्चा 36,000। 36,000 रुपये का, ये चेक करें, ये मुख्तलिफ इनके रेट हैं। अब देख लो, ये 45,000 रुपये का यही लेला नहला दला के आप बाहर बांधो, कटिंग शटिंग करके 55-60 उन्होंने मांगना है। और लोही लेला कितने का? लोही नस्ल साहिवाल ब्रीड है ये वाली, कितने पैसे? 50,000। ये इनकी डिमांड है, रेट ऊपर नीचे हो जाएगा सारा। एक बड़ा लेला भी है इनके पास, इनके पास आपको लेला 30-35-40 के अंदर बाहर मिल जाएगा। जितना बड़ा लेला देखेंगे उसके पैसे थोड़े ज़्यादा होंगे। ये चेक करो, ये सारे देसी ले लें, इसकी मनाई हुई है, अच्छा ले ला ये वाला भी और आगे वाला भी। ये चेक करो लेला, दो दांत होगा, ये वाला चार दांत होगा। लेने से पहले ना ये चीज़ मुँह शू टांगे शांगे चेक कर लिया करो, अब इसके नीचे स्वेलिंग हुई है बहुत ज़्यादा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपने देख के लेनी है। ये लाख के निशानों में है, यही ले ले, कचले करके भी भेज देते हैं, हालांकि ये चौकाजम का माल है, देसी ले लें सारे। चाचा लाख के निशाना ले ला किने का? 60,000। इसकी डिमांड है और इसकी मनाई हुई है, दो दांत हो गया लेला ये वाला। ये जो पीछे वाला लेला है ये बड़ा लेला है, ये चेक करें, जैकाबादी ले लें, ये दोनों की मनाइयाँ हुई हैं, अच्छा ले लें ये वाला।
भाई कितने का लिया आपने ये? ये भाई हमने 60 का लिया है। 60 का लिया है, गोश्त के लिए लिया है? गोश्त के लिए रखने के लिए लिया कि नहीं? नहीं, हमारी शादी है, शादी पर ये जीबा करने के लिए। ये कितने का लिया जैक बाबा जी? ये जैक बाबा जी हमने लिया है 58 का। ये 58 का लिया, ये 60 का लिया इन्होंने। अब देखिए जी कांट कटे हैं, ये चेक कर लें। इन्होंने गोश्त के लिए लिया, घर शादी है तो उसकी वजह से। ये चेक कर लें, ये जैक बाबा जी है, वो भी देसी लेला से कांशन कटे हैं, लेकिन गोश्त के हिसाब से लिया उन्होंने, सही है। 30-32 किलो गोश्त है उसमें। ये चेक कर लो, ये सारे बकरे मैंने आपको पहले दिखाए हुए हैं। ये माल आप चलो चेक करो, देसी बकरे हैं वाले सारे। चलो आगे, ये बकरा ठीक है अगर खीरा हो तो, लेकिन खीरा नहीं होना। ये डब्बा कांशांग अच्छी है, फेस अच्छा है, बाकी चीने भी हैं इनके पास 3-4। नॉर्मल माल है यार, ठीक हो गया इसके लिए ये ठीक है। डब्बा किन्ने का है? 85,000। ये जी 85 इसकी डिमांड कर रहे हैं, 85 इसकी डिमांड कर रहे हैं भाई बकरे की। ये आप लेके खस्सी करवाओ ईद के लिए, अच्छा ले ला, ब्रीडिंग पर्पस के लिए नहीं है ये ले ला, बकरा ले ला चढ़िया होगा। ये देखें जी सारा छुरी वाला माल है, वो ले ला एक अच्छा बीच में, जैक बाबा दी देसी क्रास में। अच्छा ये ले ला किन्ने का? 65,000। 65,000 खीरा तो होता? खीरा, खीरा जी 65,000। तो यह साई वाली ब्रीड लो ही काला है, नाल दा 55,000 तो देसी है ला। वो भी 55,000। 55 और इसका 65, उसकी मनाई हुई है और उनकी कटिंग नहीं हुई अभी, ये भी फ़र्क होता है। आप यकीन करो यही ले ले आप यहाँ से लो, ये सारा माल चौक आजम का है अभी। आप देखो इनमें अच्छे ले ले मिल जाते हैं। आप गंदे मंदे लो अगर आपने छतरे लेने हैं तो, चौक आजम के ले ले बड़ा ग्रोथ करते हैं। छतरों के लिए बेस्ट मंडी है, लेकिन ईद के करीब वहाँ पे बकरा बहुत आता है और लोग वहीं से बकरा छतरा ला के इधर लाहौर में बेचते हैं। लाहौर में क्या, इधर उधर भी लोग बेचते हैं दूसरी मंडियों में। ये माल चेक करें, छोटा माल है, इतना ख़ास माल कोई नहीं है। ये छुरी वाला माल है। चीज़ लेने से पहले ना अच्छी तरह उसकी तसल्ली करो, अगर आपने गोश्त के लिए लेना फिर तसल्ली करने की ज़रूरत नहीं है, अगर रखने के लिए लेना तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ऊपर नीचे से क्या हाल है। ये चेक करें, टोटल छुरी वाला माल है ये, आप चेक करें। ये देखो भाई ये छोटा माल है सारा। ये चेक करें, बाली के पास भी ज़्यादा जैक बाबा जी ले लें, एक दो बकरे हैं बीच में। चाचा की हाल है, कैसी तबीयत, ठीक हो? ये चेक करो जी खस्सी बकरा है नागरा। चाचा नागरा किन्ने का? 220 खस्सी है ये, साई वाली 90,000। दांतों में 4 दांत होगा? 4 दांत। ये ये मादी गबन है, कितने पैसे दे? पहला सुबह 2 दांत में पैसे 55,000। ते बकरा चाचा 165 165 है जी, देसी और सिंधी क्रास में खसी बकरा ये, डिमांड 165, अच्छा बकरा ये गोश्त के लिहाज से, कुर्बानी मटीरियल है ये, शौक वाली चीज नहीं है। चलो जी आगे, ये भी सारा माल सिंधी जैकाबादी, और ये सिंध के मुंदरे हैं ये वाले, वेट आपके सामने है इनका, तैयार है, सिर्फ आपने वेट ही मेंटेन करना है ना इनका। ये सिंधी माल है सारा भाई। चलो 22 बकरे, 2 ही अच्छे थे वो जो बाली के पास खसी बकरे थे ना, पैसे तो बहुत मांगते हैं लेकिन रेट शेट आपने खुद करना है। ये चेक करो, ये डब्बे दोनों खसी हैं, ये भी ये बकरा है थोड़ा कमज़ोर लेकिन सेट हो जाएगा, दांतों में 4-6 दांत है ये, इसके साथ ये भी बकरा खसी माल है सारा। ये चेक करें, ये बकरे देसी बकरे दोनों,
ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇਰੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲ 90,000 ਡੱਬੇ ਦਾ 85 90 ਇਸਕਾ ਔਰ 85 ਇਸਕਾ ਯੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਨਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਯੇ ਕਿਨਕੇ ਪਾਸ ਬਰਬਰਾ ਖਸੀ ਆਜ ਨਾ ਖਸੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਬਚਾ ਹੁਆ ਜੋ ਖਸੀ ਮਾਲ ਹੋਤਾ ਨਾ ਵੋ ਆਪਣੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸਮੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਮਸਲਾ ਬਤਾ ਦਿਆ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਮੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਤਾ ਨਾ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਬੱਕਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਸਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਟਾਪਰੇ ਹੈ ਜੀ ਟੈਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਲੈ ਲੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਮੁੰਦਰੇ ਛੁੰਦਰੇ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਆਸਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ ਇਤਨਾ ਖਾਸ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਦੇਸੀ ਛੁਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਲੈ ਲੇ 40 to 45,000 ਕਾ ਨਾ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਲੇਲਾ ਮਿਲਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੈਸੇ ਵੋ ਲੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਫੇਸ ਸੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਯੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੇ ਲੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੈ ਲੇ ਦੇਸੀ ਲੈ ਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਦੇਸੀ ਲੈ ਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਅ ਜੀ ਬੜਾ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਲੈ ਲਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਖ 60,000 ਇਸਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਦਾਂਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦਾਂਤ ਹੈ ਬੜਾ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਬੜਾ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਜਦ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਨਕੀ ਇਤਨੀ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੁਰ ਬਣਾਓ ਇਸਕੇ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਾਓ ਇਸਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੋਸ਼ ਆਏ ਲੇਕਿਨ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਗਰ ਸੌਦਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਆਪ ਲੈ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋ ਵੋ 160 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚਲੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਸਾਵਨ ਕਾ ਮਾਲ ਹੈ ਸਟੋਵ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈ ਲਓਗਾ ਇਹ 3 ਲੈ ਲਓਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਲੈ ਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈ ਲਾ ਔਰ ਉੱਧਰ ਸੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਾ ਬਰੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਲੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਮੇ ਇਹ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 65,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ 65,000 40-45 ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਕਾ ਜਬ ਆਪ ਛਾਂਟੀ ਕਾ ਮਾਲ ਲੇਤੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੁੱਠੇ ਕਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਉਸਮੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਕਾ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਜਾਨਵਰ ਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ 3,000-4,000 ਮਹਿੰਗਾ ਲੋ ਉਸਮੇ ਆਪਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਾ ਇਸਮੇ 30 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ 60 ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਕੇ ਸਰ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਚਾਚਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਦਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਚਾ ਇਸਕੀ 70 ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਦਾਂਤ ਚੌਗਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਦੋ ਦਾਂਤ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ 55,000 ਇਸਕਾ 60,000 ਇਹ ਚਾਚੇ ਕੇ ਪਾਸ ਬੱਕਰੇ ਆਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੀਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਚੇ ਕਾ ਵਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਹੈ ਸਾਰੇ 2024 ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਇਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਖੱਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਨੇ ਹਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਦਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਤਨਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਖੀਰਾ ਆਏ ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਹੋਤਾ ਜਾਨਵਰ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕਹਾਂ ਪੇ ਲੈ ਲਾ ਕਿਧਰ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ
बाकी ये टोटल काटू माल है, बाहर से जाके आपको जानवर दिखाता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आगे वीडियो आती रहेंगी, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।